हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन के बीएचपी स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन और फ्यूल कंजम्पशन निकालेंगे। तो ये है लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें ये वाला एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द मैकेनिकल एंड थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन। इसमें हमारे तीन एक्सपेरिमेंट कवर होंगे। एक ये फोर्थ वाला डिटरमिनेशन ऑफ बीएचपी एट वेरियस लोड्स फॉर अ डीजल इंजन, इसमें बीएचपी निकाल लेंगे हम। उसके बाद ये फिफ्थ वाला स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन वाला आईएचपी और बीएचपी, ये तीनों एक्सपेरिमेंट हम इस पर ही कवर कर लेंगे। तो जो हमारे पास अपरेटस है, तो ये दे रखा है हमारे पास सेटअप, ये सिंगल सिलेंडर फोर स्ट्रोक डीजल इंजन है, ठीक है। तो ये इसकी ड्राइव शाफ्ट है, इसके ऊपर ये अल्टरनेटर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल अल्टरनेटर लगा हुआ है, और इसका कनेक्शन हमने इधर ये रियोस्टेट्स दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं रियोस्टेट्स हैं। और इसको ऑन करने के लिए हमारे पास ये लोड वाले स्विचेस हैं, ये वोल्ट मीटर है, ये एम्पेयर मीटर है, और ये स्विचेस दे रखे हैं लोड डालने के लिए। पहला लोड जैसे 0.5 किलोवाट है, फिर प्लस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 0.5 किलोवाट है, 1 किलोवाट हो जाएगा, फिर नेक्स्ट 1 किलोवाट, ऐसे ही लोड बढ़ाते रहेंगे और ये लोड बढ़ता जाएगा। ये है इलेक्ट्रिकल अरेंजमेंट। उसके बाद हमारे पास फ्यूल का अरेंजमेंट जो है, ये टैंक दे रखा है, फ्यूल यहाँ से हमारा ये बल्ब है, इसको ऑन करेंगे हम, और ये वाली लाइन आ रही है, ये लाइन से हमारे पास ये ब्यूरट लगी हुई है फ्यूल मेजर करने के लिए। ये 50 ml की ब्यूरट है जहाँ से हम फ्यूल कंजप्शन मेजर करेंगे। तो और उसके बाद एयर को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ये मैनोमीटर दिया हुआ है, ये मैनोमीटर से रीडिंग आ जाएगी कि फ्लो ऑफ एयर इंजन के अंदर कितनी एयर जा रही है। और उसके बाद ये वाटर कूल्ड इंजन है बच्चे, तो वाटर कूलिंग के लिए हमें वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमने ये पाइप लगा रखी है, ये वाली ये लाइन है इनलेट, ये फ्लो मीटर लगा रखा है वाटर को मेजर करने के लिए कि कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है। ये इसका इनलेट वाल्व हो गया और ये इसका आउटलेट हो गया, दोनों के ऊपर ये सेंसर से लगा रखे हैं टेम्परेचर सेंसर, ये आउटलेट वाला है और ये इनलेट वाला, इनलेट वाटर का टेम्परेचर बताएगा और ये आउटलेट का बताएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसके हिसाब से हमने अलग अलग रीडिंग ले लेनी है। स्टूडेंट्स, अब हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, उससे पहले सबसे पहले हमने क्या करना है, इसमें टैंक में डीजल फिल कर लेना है, ठीक है, ताकि हम ब्यूरेट से डीजल मेजर कर सकें कि कितना कंज्यूम हो रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने मैनोमीटर को फिल कर लेना है अप टू हाफ, जिससे हमारा फ्लो ऑफ एयर मेजर हो जाएगा। और उसके बाद जो ये पाइप्स लगी हुई हैं, ये वाली पाइप्स हमने वहाँ से कूलेंट ऑन कर देना है, वहाँ टैप लगी हुई है और कूलेंट सप्लाई ऑन हो जाएगी। ये यहाँ पर हमारा वाटर इनलेट है, हम यहाँ से इसको टैप को ऑन कर रहे हैं बच्चे, ये इनलेट है और यहाँ से आउटलेट होएगा इसका, वाटर का आउटलेट, ये आउटलेट है। तो अब हम इसको इंजन को स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चे। अब हम लोड डाल रहे हैं, ये देखो फर्स्ट लोड है, यहाँ पे वोल्टेज की रीडिंग आ गई और ये करंट की रीडिंग आ गई, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेचर की T1, पानी का टेम्परेचर कितना है, T1 वो है इनलेट है और T2 ये है, ये टेम्परेचर की रीडिंग आ गई। और उसके बाद लोड के बाद फ्यूल कितना कंज्यूम हो रहा है, ये देखो फ्यूल जा रहा है हमारा, ये ब्यूरट से मेजर होगा कि फर्स्ट लोड पे कितना फ्यूल कंज्यूम हो रहा है। और उसके बाद ये मैनोमीटर डिफरेंस, ये देखो मैनोमीटर डिफरेंस आ रहा है, ये और ये मैनोमीटर बता रहा है कि फ्लो ऑफ एयर कितना है। उसके बाद ये वाटर का, ये देखो ये वाटर कितना कितना कंज्यूम हो रहा है, ये वाटर कितना कर रही है, फ्लो ऑफ वाटर बताएगा ये, ठीक है। ऐसे ही हम अगला लोड बताएंगे, फिर यहाँ रीडिंग आ जाएगी वोल्टेज की और करंट की, ठीक है ना। और यहाँ पर टेम्परेचर ये देखो, ये 1 आ गया T1 वाटर इनलेट और ये T2 वाटर आउटलेट। ऐसे ही हम सारे लोड बढ़ाते जाएंगे, देखो 3rd, 4th, 5th, 6th, ऐसे ही रीडिंग आती रहेगी और यहाँ पर टेम्परेचर भी आती रहेगी। तो ये हमारा एक्सपेरिमेंट ओवर हो जाएगा।